हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन बेटा, लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो अपना कंप्लीट किया था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट था, ठीक है ना? तो अब उससे आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट है। तो उसके बाद जो है अब वो टॉपिक कौन सा आता है हमारे पास, उसे देखते हैं। उसके बाद फिर हमने प्रोपोर्शन किया था, प्रोपोर्शन भी हमने बल्कि उससे पहले हमने प्रोपोर्शन किया था और प्रोपोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया था तमाम चीजें। तो टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो हम चल रहे हैं सीक्वेंस पे लेकर के। तो आज जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो आपको आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कॉमर्स फील्ड के अंदर, कॉमर्स के बैकग्राउंड के अंदर। तो इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक हमारा जो है वो क्या है। टॉपिक जो हम आज शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको, टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना? तो बेटा, यहाँ तक की बात तो आपको पता थी कि प्रोपोर्शन अलग चीज थी, रेशो अलग चीज थी, पर अब ये जो आपका टॉपिक आया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक जो परसेंटेज के टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। जो वो लेवल में भी आता है आपके आपके आखन बोर्ड में भी आता है, आपके कराची बोर्ड में भी आता है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हर हवाले से, ठीक है ना? तो इसको करने के तो बहुत सारी टेक्निक है जो मैंने क्लास में आपको करवाई है, बिल्कुल वैसी भी टेक्निक है जो मैंने आपको क्लासेस में करवाई है, कॉलेज के अंदर हो, कोचिंग के अंदर हो, और डिफरेंट जगहों पे भी मैंने यहाँ पे आपको करवाया। तो टॉपिक की जो कंडीशन है वो अब थोड़ा सा ना, मैं क्या कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको न्यू टर्मिनोलॉजी से भी सिखाऊंगा कि हमको हमें जो है वो हम काम किस किस तरीके से और मजीद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपके सामने हम प्रॉफिट एंड लॉस का अभी जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। अभी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। तो प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल आता है ना, तो ये तीन चीजें आपके पास, कॉस्ट प्राइस है आपके पास, सेलिंग प्राइस आपके पास है, और रेट है हमारे पास। रेट क्या है? रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, या आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लास में मेंशन किया हुआ कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये दोनों डिपेंड करता है किस पे, आपकी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है इसको कि ये जो परसेंट आर जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है किसको, परसेंटेज आपको सवाल में गिवन होगी या फिर परसेंटेज आपसे मांगेगा कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ या फिर आप बताओ प्रॉफिट कितना आया, ठीक है? दोनों में बातों में अलग अलग फर्क है। प्रॉफिट की परसेंटेज अगर निकालने के लिए कहे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, आर का। अब आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है भी देखते हैं, ठीक है ना? और प्रॉफिट अगर निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी अलग है, ठीक है? तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की, ये कितना परसेंट प्रॉफिट हमें हुआ और कितना प्रॉफिट हमें हुआ, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है ना? तो यहाँ पे दो चीजें आप देखोगे, प्रॉफिट की कंडीशन में भी और लॉस की कंडीशन में भी। तो अभी जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला नंबर वन। पहला फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ परसेंटेज बताएं, यानी चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों का अगर रेट मांगता है तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है। अभी यहां से बात किसकी हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट के अंदर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, ये रेट ऑफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब फर्क सिर्फ यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? फर्क यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या, सेलिंग प्राइस हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, और कॉस्ट हमें कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो। तो देखो यहाँ पे जो तो सेलिंग प्राइस है वो पॉजिटिव है और क्या कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस नेगेटिव शो कर रहा है कि आपकी कॉस्टिंग क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है अगर कॉस्टिंग कम होगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो आपको क्या होगा, वो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए यहाँ टॉप की जो हेडिंग है आपकी, ये हमारी क्या हो गई, हमारे लिए प्रॉफिट की कंडीशन आ गई, ठीक है ना? तो अब यहीं से हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला ये है कि अगर सेलिंग प्राइस निकालनी हो, रेट ऑफ परसेंट निकालने की कह सकता है आपसे, तो रेट ऑफ परसेंट का निकालने का फॉर्मूला ये रहा। सेलिंग प्राइस निकालने का अगर आपको कहे कि सेलिंग प्राइस निकालो तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, किसी भी चीज में उलझने की जरूरत नहीं है,
कहीं दूसरे सेकंड फॉर्म में ना जाओ, किसी इक्वेशन इक्वेशन में ना जाओ, एक कंडीशन तो वो तो जो मैंने आपको क्लास में समझाई थी, एक कंडीशन तो वो हो गई जो मैंने आपको क्लास में समझाई थी, ठीक है ना। एक तो कंडीशन वो वाली भी आप अप्लाई कर सकते हो, और डायरेक्ट आप एक यू बोर्ड वाले, ओ लेवल वाले और जो हमारे कांची बोर्ड है, वो तीनों ये चीज कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि कॉस्ट इंटू वन प्लस रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज चाहे वो प्रॉफिट का गिवन है, चाहे वो क्या गिवन है आपको, लॉस का गिवन है, दोनों में से किसी एक का गिवन होगा। अब मुझे बताओ कि अगर अगर मुझे इन सब में से मुझे रेट ऑफ परसेंटेज भी दिया हुआ हो, सेलिंग प्राइस भी गिवन हो, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो सोचना अभी जरा। वैसे मैं बार बार डिस्कशन करूंगा, सवाल पे आऊंगा मैं, सवाल पे, और उस सवाल के अंदर मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी ये फॉर्मूला किसके लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। अब कंडीशन तीसरा, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसका मतलब सेलिंग प्राइस, वही वाली बात कि सेलिंग प्राइस पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस कम है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो क्या हम रेट ऑफ परसेंटेज का फॉर्मूला कह सकते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100? तो रेट ऑफ परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, हम इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ न्यूमरेटर पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बात बोली कि कॉस्ट प्राइस हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों डिपेंड करता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट कंडीशन है तो प्रॉफिट आएगा, और लॉस की कंडीशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो ये तो सारी बातें देखो बिल्कुल वही चल रही थी जो प्रॉफिट की है, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट डिपेंड करे किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ तक क्लियर, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को याद रखना, क्योंकि आपका जो कंडीशन है ना वो डिपेंड करती है इन तमाम कंडीशन पे। अब इसके बाद क्या आता है, जैसे अभी मैंने प्रॉफिट के लिए अप्लाई कर दिया, तो अब इसके बाद हम कहते हैं हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, लॉस के लिए अप्लाई करते हैं। अब लॉस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टर्मिनोलॉजीज तो वही रहेंगी, कंडीशन तो वही रहेगी, जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो उन टर्म की जो कंडीशन है वो तो बात वही रहेगी। सीपी किसको कहेंगे, कॉस्ट प्राइस को कहेंगे, एसपी किसको कहेंगे, सेलिंग प्राइस को कहेंगे, आर किसको कहेंगे, रेट ऑफ परसेंटेज को। सवाल के अंदर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ होता है कि प्रॉफिट कितना है, या फिर लॉस की परसेंटेज दी हुई होती है कि आपको लॉस कितना आया, आपको लॉस 10% का है, आपको लॉस 15% का है, आपको लॉस जो है वो 5% का है, कितना भी लॉस आया है वो आपको सवाल के अंदर गिवन होता है, ठीक है ना, या तो आपसे रिक्वायर्ड करने के लिए कहेगा। तो देखो यहाँ पे लॉस के फॉर्मूले में भी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले वही है, सिर्फ देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, प्लस हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जो लॉस की कंडीशन समझो, लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, लॉस जब होता है जब हमारी सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो, ज्यादा हो। ये ऐसे ही है ना कंडीशन, सही कह रहा हूँ ना मैं, मैंने कहा कि जब हमें लॉस कब होता है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, और सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो। अगर ऐसा है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, अदरवाइज हमें लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला आ गया रेट ऑफ परसेंटेज के फॉर्मूले के अंदर, कॉस्ट प्राइस किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई, और जो सेलिंग प्राइस है वो किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस अगर निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस वाले में गिवन होगी, रेट ऑफ परसेंटेज आपस में गिवन होगा। आप इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, होल्ड कर लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके, उसके बाद जो है फिर वो आप फॉर्मूले अपने पास नोट डाउन कर लें, और फिर उसके बाद पे क्वेश्चन करने बैठेगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपको मैं इंस्ट्रक्ट करूं बताऊं, आप उसी तरीके से चीजों को फॉलो करना, ठीक है ना। थर्ड थिंग इज लॉस, तो लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वही चीज, इसका मतलब रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया किसका, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। रेट ऑफ परसेंट में न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसको शो
थर्ड फॉर्मूला कह रहा है क्या, लॉस, तो उसका मतलब रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ इन लॉस की कंडीशन, तो फॉर्मूला हो गया लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई, ये तो फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं अभी, ये तो अभी सिर्फ क्या हुए हैं, फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं। अब इन फॉर्मूलों को आगे किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है वो समझते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक क्वेश्चन देते हैं हमें, हमें क्वेश्चन क्या देता है, कहता है कि अ मैन बॉट अ कार फॉर रुपीज 2,40,000 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम तो ये करना है डेटा बनाना है, ठीक है ना। डेटा गिवन कंडीशन होती है, डेटा में ना दो दो कंडीशन है, दो तीन कंडीशन आती है, क्या क्या आती है डेटा के अंदर, आपकी जो चीज आपको गिवेन है एक वो आएगा और जो चीज रिक्वायर्ड है वो आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो चीजें ऐसी होंगी एंड देन उसके बाद फिर थर्ड चीज क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करो आंसर निकालो। तो उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सवाल में आप जो देख रहे हो, जो चीज गिवेन है आपको, आप उसको क्या करो, गिवेन डेटा हो गया। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा ये है कि आपसे क्या मांगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मांगे, सबसे पहला काम करें डेटा बना रहे हैं, गिवन कंडीशन, हमें गिवन क्या क्या है। देखो याद रखना, जब भी कभी भी कॉस्ट प्राइस दे दी जाए ना, अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कभी भी कॉस्ट प्राइस दे दी जाए और सेलिंग प्राइस मालूम करनी हो, तो ऐसी कंडीशन आसान होती है। ऐसी कंडीशन क्या होती है, आसान होती है। लेकिन अगर इससे को मैं उल्टा कर दूं, मैं कहता हूँ कि सेलिंग प्राइस हमें दे दी जाए और कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड कर दे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनिस्बत इसके, आपकी पहली वाली कंडीशन के, तो ठीक है ना। तो पहली वाली कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गिवेन, क्या गिवेन है हमें, हमें कॉस्ट प्राइस गिवेन है, कितने गिवेन है हमें, 2,40,000 हमने लिख दिए यहाँ पे। फिर क्या गिवेन है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 10%। डेटा बनाया, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसने दिया हुआ, रेट ऑफ परसेंटेज है, आर शो करता है किसको, रेट ऑफ परसेंटेज को, तो रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, 10% है। 10% का मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइड बाय 100, जो कि क्या बन गया, 0.1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। तो हमने कहा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज में है उसको रेट ऑफ परसेंटेज कहते हैं, ठीक है ना। तो आर क्या है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ परसेंटेज, इधर लॉस और प्रॉफिट, ठीक है ना। तो रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 10% दिया हुआ था। 10% को हमने क्या किया, जब भी साइन ऑफ परसेंटेज हटाना हो, रिमूव करना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दो, किससे, 100 से, ठीक है ना। यहाँ पे 13% होता तो 13 डिवाइड बाय 100 होता, 17% होता तो क्या होता, 10 17 डिवाइड बाय 100 होता, 17.5 होता तो क्या होता, तो भी वही होता भाई, 17.5 डिवाइड बाय 100 होता। तो पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाए, जिसमें वैल्यू आ जाए, आप साइन ऑफ परसेंटेज को हटाने के लिए हमेशा डिवाइड करो किससे, 100 से। तो साइन ऑफ परसेंटेज क्या हो गए, रिमूव हो गए, और वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। यहाँ तक का तो आपका क्या बन गया, गिवन डेटा। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, सेलिंग प्राइस, रिक्वायर्ड क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास देखो, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट रेट ऑफ परसेंटेज गिवेन है हमें, हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो देखते हैं स्लाइड हम वो वाली फॉर्मूले की, कि फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का कहाँ है, इन तीनों में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो देखो कितना आसान है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्या, एक कॉस्ट प्राइस मालूम होनी चाहिए आपको, और आपको रेट ऑफ परसेंटेज मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवेन है, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें क्या है, गिवेन है, आपको कॉस्ट भी दी हुई है और आपको रेट ऑफ परसेंटेज भी दिया हुआ है, दोनों चीजें सवाल में गिवेन है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हमने कहा सोल्यूशन वैल्यू प्लेस करना है, वी नो दैट, जैसे कि हमने कहा फॉर्मूला जो है वो क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, किस क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका, सेलिंग प्राइस का, ठीक है ना। अब इसी के अंदर वैल्यू प्लेस कर दी, हमें क्या क्या वैल्यूज मालूम थी, हमें जो वैल्यूज मालूम थी वो ये मालूम थी कि
कॉस्ट प्राइस कितनी है 2,40,000, जिसकी जगह पे क्या आ गया 2,40,000 आ गया, 1 ऐसे ही रहा, प्लस ऐसे ही रहा, आर आर आपने कैलकुलेट स्टार्टिंग में किया था गिवन डेटा में, तो आर आपने कहा था कि 10/100 तो आंसर आया था 0.1, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। मजीद सिंप्लीफाई, इन दोनों को बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, तो 1 में ऐड किया किसको 0.1 को, तो 1.1 आ गया, एंड देन फिर क्या कहते हैं आपस में मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया आपके पास 2,64,000। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये एक बहुत ही आसान फॉर्मेट था जो कि आप फॉर्मूला अप्लाई करके और सिंप्लीफाई करके ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके को, इसी फॉर्मेट को यानी अगर हमें सवाल इसी तरह से दे दिया जाए तो फिर ये अभी इस फॉर्मेट में तो कोई मसला नहीं है, तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देते हैं, और ये बड़े इजीली हमें याद भी जाता है ये वाली कंडीशन, बकिया कंडीशन हमें थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है ना, अच्छा फिर एक ऑल्टरनेटिव वे, दूसरा तरीके का ऑल्टरनेटिव वे क्या है भाई? ऑल्टरनेटिव वे ये है कि हमने कहा कि प्रॉफिट, देखो क्या यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है? नहीं ना, यहाँ पे तो परसेंटेज नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये क्या है, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर, अगर सवाल के अंदर आपसे ये भी कह देता फाइंड द प्रॉफिट, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे जो प्रॉफिट की परसेंटेज दी जाए। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई किससे हो रही है, रेट से। ठीक है, चाहे इधर वो गेन कहे आपको, चाहे वो प्रॉफिट कहे, तो गेन कहे तो भी वही बात है, प्रॉफिट कहे तो भी वही बात है, दोनों की कंडीशन है। आपको कहता है कि गेन हुआ 10% का गेन हुआ, तो मतलब वही बात कि 10% का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको कितनी गिवन दी 2,40,000, तो कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या आ गया 2,40,000 आ गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, प्रॉफिट परसेंटेज कितना मालूम था, प्रॉफिट परसेंटेज कितना मालूम, 10% मालूम था ना, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हुआ कि 10/100, और 10/100 करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका 0.1 आएगा। ठीक है ना, 0.1 आएगा आपका आंसर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10/100 किया तो आंसर जो है वो 0.1 आ गया। ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से हमने कहा बाय यूजिंग द फॉर्मूला, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते 240,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 24,000 हमारे पास आंसर आ गया। तो प्रॉफिट जो आ गया वो कितना आ गया 24,000 आ गया। अब फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर याद ना रहे आपको इस तरह से, तो आप इस तरह देख लिया करो कि प्रॉफिट की कंडीशन में सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कम होती है, तो सेलिंग प्राइस प्लस में हो गई, यानी पहले हो गई प्लस में, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गई माइनस हो गई, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला अगर याद नहीं भी आया तो आप अपने सिनेरियो से सवाल को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसी फॉर्मूले से हमने कहा कि अगर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसी फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस मार्केट में माइनस में थी, वहां जाके क्या हो गई प्लस हो गई, तो सेलिंग प्राइस का उसी फॉर्मूले से प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रजिस्टर पर लिखो, और लिखने के बाद कॉस्ट प्राइस जो माइनस में थी ना उसको प्रॉफिट के पास ले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, आपका फॉर्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे तो आपकी क्या पता लग जाएगा आपको, आपको कंडीशन क्या पता लग जाएगी, आपको सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस में आपने कहा कॉस्ट प्राइस कितनी है 240,000 है, और प्रॉफिट जो निकला वो आपका कितना निकला 24,000, इन दोनों को एड अप किया तो आपके पास आंसर आ गया 264,000। तो बेटा कंडीशन जो है ना, वो कंडीशन आप जो है बड़े आराम से कर सकते हो, और जो है सवाल किसी भी तरह से आ जाए वो आप आराम से इजीली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब दोनों फॉर्मेट आपके सामने हैं, जो फॉर्मेट आपको आसान लगे आप उस फॉर्मेट में काम करना,
और जो है फीडबैक बताना अपना, और फिर मुझे बताना कि कंडीशन में और क्या क्या चेंजेस आप लेके आ सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां तक का तो मामला क्लियर है, यहां तक कोई मसला किसी को क्लियर है, ठीक है ना? तो दो फॉर्मेट आपने सीख लिया, आपने एक ये वाला फॉर्मेट सीख लिया, आपने पिछला वाला फॉर्मेट सीख लिया। जो जिसको आसान लगे वो उस फॉर्मेट से काम करें। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे ना, वो नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो हम लॉस की कंडीशन में करेंगे। प्रॉफिट लॉस के अंदर जो है ना तीन तरह की कंडीशन आ सकती हैं, प्रॉफिट लॉस के अंदर तीन तरह की कंडीशन आ सकती हैं, तीन चार तरह की कंडीशन होती है। कराची बोर्ड की अगर बात करें तो कराची बोर्ड के अंदर आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालने के सकता है, आपसे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह सकता है, आपसे परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए कह सकता है, आपसे प्रॉफिट निकालने के लिए कह सकता है, ठीक है ना? और लॉस निकालने के लिए कह सकता है। एक ऐसा सवाल जिसके अंदर 2% गिवन हो, यानी सवाल का मतलब ये होगा कि आपसे कहेगा कि इतनी सी चीजों में सेल किया है तो 10% का लॉस हुआ, तो कितने में बेचते हमें 15% का प्रॉफिट होता। तो कंडीशन जो है ना वो एक से ज्यादा कंडीशन हो गई, ठीक है ना? तो एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है, तो हम वो तमाम सवाल करेंगे अभी, ठीक है? तो अभी तो इस लेक्चर में सिर्फ आप फॉर्मूले पर फोकस करो, फॉर्मूला थोड़ा याद करो, और जो है फिर इस टॉपिक को देखो। जब तक इसमें कोई मसला, इस तरह के जितने भी सवाल आपके पास पेपर के अंदर मौजूद हैं, आप उनको एकदम परफेक्ट कर लो, ठीक है ना? जिसमें कॉस्ट प्राइस आपको नहीं निकाली, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहता है तो, और जिसके अंदर आपसे लॉस निकालने के लिए कहता है, जिसके अंदर आपसे लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए कहता है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखेंगे और इंशाल्लाह जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको देख के आप मुझे बताएंगे, आप वहीं पे कमेंट करेंगे मेरी इस वीडियो पे, और जो है वो जाहिर सी बात है अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिटेबल है, आपको समझ में आ रहे हैं टॉपिक, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको, ताकि जो है वो चीजें जो है ना, जब हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ हम सीखें, जैसे कि एक बच्चा है वो कहता है कि सिर्फ मैं सीखूं, मुझे मेरे अलावा कोई और ना सीखे, तो बेटा ये तो गलत बात है कि आप सीख रहे हो लेकिन दूसरों को मशवरा नहीं दे रहे, ठीक है ना? तो जो चीज ये जो मैंने बनाया है, ये मैं ये तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, बुक के अंदर बहुत सारे सवाल है, तो बहुत सारी बुक है ना, तो मेरा मकसद जो है वो क्या है, मेरा मकसद ये है कि वो बुक की चीज को आप तक पहुंचाना, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आप भी किसी के लिए काम करें, ठीक है? तो लाजमी तौर पे आप इस चैनल को अगर समझ में आता है आपको, आपको टॉपिक अच्छा लगे, आप उसको लाइक करें, शेयर करें और काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए, बेल आइकन होता है, बेल आइकन को उस पर आप क्लिक करें। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपको जो है वीडियो के अंदर जो भी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहेंगी ना, जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो आपके ना उसमें लिस्ट में आती रहेंगी कि अब इसके बाद कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है, इसके बाद कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है। तो जो है वो यहाँ तक का मामला तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना बेटा? तो फिर इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन प्रैक्टिस से ही तमाम चीजें परफेक्ट होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।